हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें एक 40 साल की औरत का एक 18 साल के जवान लड़के के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ करने के लिए वो क्या क्या करती है, ये मूवी में हमें पता चलेगा। इसका नाम है लीथल सेडक्शन, जिसे साल 2015 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था नैन्सी लियोपार्डी ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्क और वाल्टर को देखते हैं जो अच्छे दोस्त भी होते हैं। आज मार्क का बर्थडे होता है और उसकी माँ ने उसके लिए सरप्राइज प्लान करके रखा होता है। यहाँ मार्क के काफ़ी सारे दोस्त भी आए हुए होते हैं। इसके बाद सभी मार्क का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी करने के लिए पूल में चले जाते हैं। इसी के साथ मार्क की क्रश मेलिनी भी पार्टी में आई हुई होती है और वो बार बार उसे ही देखता है। फिर वाल्टर मार्क को कहता है, अगर तुम किसी तरीके से अपनी मॉम को बाहर भेज दोगे तो हम मेलेनी को आज रात प्राइवेटली पार्टी दे सकते हैं। वाल्टर का ये प्लान मार्क को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है मार्क के फादर इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ तानिया उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। फिर हम देखते हैं उसी रात मार्क अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर भेजता है। तानिया के बॉयफ्रेंड का नाम ब्रैंडी होता है। उन दोनों के जाने के बाद मार्क वाल्टर और मेलेनी को कॉल करता है और उन्हें पार्टी के लिए बुलाता है। मेलिनी अपने दोस्त को साथ लेकर आती है और फिर वो मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद मार्क के यहाँ एक गेस्ट आ जाता है जिसे तानिया ने ही भेजा था मार्क पर नज़र रखने के लिए। दरअसल मार्क बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और वो गेस्ट इसी की एडवाइस देने के लिए वहाँ आता है और उस गेस्ट के आने से उनकी पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन तानिया मार्क को एक हार्डवेयर शॉप पर भेजती है। फिर मार्क की मुलाकात एक कैरिसा नाम की लेडी से होती है। जब मार्क उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। कैरिसा यहाँ पर शावर लेने के लिए आई होती है क्योंकि उसके बाथरूम का शावर ख़राब हो गया था। फिर मार्क उसे शावर खरीदने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कैरिसा बाहर ही होती है और मार्क से कहती है, क्या तुम मेरे शावर को फिक्स कर सकते हो और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। मार्क को ये काम आता था और वो इसके लिए मान जाता है। फिर वो कैरिसा के साथ चला जाता है। इसके बाद मार्क कैरिसा का शावर ठीक कर देता है और शावर को चेक करने के लिए कैरिसा मार्क के ही सामने न्यूड होकर नहाने लगती है। इसके बाद वो मार्क को भी अपने साथ नहाने के लिए कहती है और वो जल्दी से अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर शावर लेते टाइम दोनों किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मार्क ये सारी बातें वाल्टर को बताता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। अगले दिन मार्क कैरिसा के साथ डेट पर जा रहा होता है जिसके लिए वो तैयार होता है। जब तानिया उससे पूछती है वो किसके साथ डेट पर जा रहा है, तब वो उसे नहीं बताता। फिर हम देखते हैं वो कैरिसा के साथ डेट पर होता है और वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर मार्क कैरिसा को एक सॉफ्टवेयर दिखाता है जिस पर वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। कैरिसा को मार्क का आइडिया अच्छा लगता है और वो उसे कहती है, मैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को जानती हूँ और मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूँगी। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ एक वेटर आकर मार्क से बोलता है, कैरिसा सही लड़की नहीं है और तुम उससे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मार्क उसे इग्नोर करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो ज़्यादातर टाइम कैरिसा के साथ स्पेंड करता है। तानिया ये सब नोटिस करती है और उसे बहुत ज़्यादा खराब लगता है लेकिन उसे अभी भी ये बात नहीं पता थी कि वो किस लड़की को डेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं तानिया मौका देखकर मार्क के फ़ोन को चेक करती है और उसे पता चलता है वो कैरिसा नाम की लड़की को डेट कर रहा है और फिर वो मार्क के ही फ़ोन से कैरिसा को घर पर इनवाइट करती है। इसके बाद वो उसके घर पर आती है और वहाँ पर रैंडी भी होता है। फिर वो चारों मिलकर डिनर करते हैं। बातों ही बातों में कैरिसा तानिया से कहती है, मार्क अब बड़ा हो चुका है और वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तानिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। फिर तानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बहुत सुनाती है। कैरिसा को बहुत बुरा लगता है और वो घर से जाने लगती है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैरिसा उल्टा उसे ही तानिया के खिलाफ भड़का देती है और मार्क उसके साथ चला जाता है। मार्क को उसके साथ जाता देख तानिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं मार्क कैरिसा के साथ उसके घर पर होता है। इसके बाद वो दोनों पूल में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तानिया कैरिसा के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है। फिर उसे एक आर्टिकल में पता चलता है कि उसने एक अमीर बुड्ढे से शादी की थी लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उस बुड्ढे की लाश उसके घर पर पाई जाती है। फिर तानिया कैरिसा के घर पर जाती है। वहाँ पर कैरिसा तानिया को मार्क से मिलने नहीं देती है और उसे कहती है, अगर मैं चाहूँ तो मार्क से तुम्हें अलग कर सकती हूँ। और फिर तानिया वहाँ से चली आती है। इसके बाद कैरिसा मार्क से कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। लेकिन मार्क उसे मना करता है।
वो कहता है जल्दी मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर कैरिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर मार्क अपने घर आ जाता है, लेकिन तानिया मार्क को लेकर काफ़ी टेंशन में होती है, जिसके लिए वो रैंडी से बात करती है। फिर तानिया को एक आइडिया आता है जिससे वो उन दोनों को अलग कर पाएगी। वो रैंडी को बताती है कि वो मेलिनी को मार्क के पास लाएगी जो उसका क्रश है, जिससे वो फिर से मेलिनी को पसंद करने लगेगा और कैरिसा को भूल जाएगा। अगले दिन तानिया मेलिनी को घर लेकर आती है। इसके बाद मार्क मेलिनी के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। फिर दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और मार्क मेलिनी को किस भी करता है, लेकिन उसे कैरिसा देख लेती है। जब वो उन्हें किस करते हुए देखती है तब उसकी जल जाती है। फिर हम देखते हैं मेलिनी अपने घर जाने के लिए कार के अंदर होती है, तब कैरिसा उस पर अटैक कर देती है और उसे धमकी देती है कि वो मार्क से दूर रहे, और वो चाकू से उसके फेस पर कट मार देती है, जिससे मेलिनी काफ़ी डर जाती है। फिर मेलिनी मार्क को इग्नोर करने लगती है। मार्क उसे कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर हम देखते हैं तानिया रैंडी से मिलती है और उसे मार्क और मेलिनी के डेट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रैंडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मार्क की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही थी, जिसकी वजह से रैंडी ने अभी तक तानिया को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। लेकिन अब रैंडी तानिया की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। दूसरी तरफ मार्क अपने दोस्त वॉल्टर को बताता है कि वो मेलिनी से प्यार करता है और वो अब कैरिसा को छोड़ देगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर कैरिसा के घर जाता है और उसे बताता है कि मार्क उसे जल्दी ही छोड़ देगा। ये सुनकर कैरिसा को बहुत गुस्सा आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली मेलिनी ने मार्क का फ़ोन उठा लिया होता है और वो उससे बताती है कि वो बीमार थी, जिसकी वजह से उसने फ़ोन नहीं उठाया था। इसके तुरंत बाद मार्क को कैरिसा का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है, क्योंकि उसने मार्क के लिए अपने दोस्त जो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था उससे बात की थी, और वो मार्क को उससे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद मार्क रेडी होकर कैरिसा के घर जाता है। फिर मार्क उसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है ये ऐप अब ऑलरेडी ऐप मार्केट पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मार्क को जॉब का ऑफर देते हैं। उसके जाने के बाद मार्क कैरिसा से कहता है कि वो इस जॉब को नहीं करेगा क्योंकि वो कॉलेज जाना चाहता है। कैरिसा समझ जाती है कि मार्क अब उसके साथ नहीं रहना चाहता और फिर वो गुस्से में आकर उसके सर पर शैंपेन की बोतल मार देती है, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मार्क को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। फिर कैरिसा उसे कहती है तुम अपना काम निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर वो मार्क को ये भी बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ उसे चीट कर रहा था, और जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपने ही हाथों से उसे मार दिया। तब हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने ही मारा होता है। फिर वो मार्क को पूरे दिन के लिए वहीं बंधा हुआ छोड़ देती है। अगले दिन जब मार्क घर नहीं आता तब तानिया परेशान होती है और फिर वो उसे काफ़ी टाइम कॉल भी करती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरिसा मार्क को टॉर्चर करने लगती है, जिससे वो बहुत चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। इसके बाद कैरिसा मार्क का फ़ोन चेक करती है, जिस पर तानिया ने बहुत सारे कॉल किए होते हैं। इसके बाद मार्क के ही फ़ोन से वो तानिया को मैसेज करती है और उसे अपने घर बुलाती है। जब तानिया उसके घर पर आती है तब उस पर गन तान कर उसे हथकड़ियाँ पहनने को कहती है। फिर वो उसे मार्क के पास ले जाती है। जब तानिया मार्क को देखती है तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि टॉर्चर की वजह से मार्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर कैरिसा तानिया से कहती है तुम्हारी वजह से ही मेरी रिलेशनशिप ख़राब हुई है। इसके बाद वो कहती है अगर तुम मार्क की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को शूट करना होगा, नहीं तो मैं मार्क को मार डालूंगी। और ये बोलकर गन में एक गोली डालकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर तानिया मार्क से कहती है तुम्हारे फादर के जाने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, और वो अपनी सभी हरकतों के लिए मार्क से माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैंडी तानिया को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाती, जिससे वो उसकी फिक्र करने लगता है। दरअसल तानिया ने पहले ही रैंडी को बता दिया था कि वो कैरिसा के घर जा रही है। रैंडी कैरिसा के घर के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं तानिया खुद को शूट करने ही वाली होती है, तभी उसे खुद को और मार्क को बचाने के लिए एक आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं कैरिसा को गन चलने की आवाज़ आती है और उसे लगता है तानिया ने खुद को शूट कर लिया है, और वो उसके पास आकर उसे चेक करती है, लेकिन तानिया ने खुद को शूट नहीं किया था और वो एकदम से कैरिसा पर अटैक कर देती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, वो कैरिसा को मार मार कर बेहोश कर देती है। फिर वो मार्क को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कैरिसा को फिर से होश आ जाता है और वो एक रॉड लेकर आती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम रैंडी वहाँ पर आ जाता है और वो एक रॉड फेंक कर कैरिसा को मारता है जो उसके पेट पर लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर उसे पास के रखे एक डिब्बे से आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे खोलकर देखता है तब उसमें वॉल्टर बंद होता है।
जिसे कैरिसा ने किडनैप किया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रैंडी और तानिया दोनों साथ हैं और मार्क मेलिनी को डेट कर रहा है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।